वेलकम बैक वीडियोकॉन, जीना इसी का नाम है। मैं विजय माल्या साहब से मुलाकात हो रही है। कुछ लोगों की आंखों में जो है जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ शरारत भी होती है, तो मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ जो हमको विजय साहब की कुछ शरारतों के बारे में बात करे और बताए कि दरअसल विजय साहब जितनी शरारतों को इस वक्त रोके हुए हैं, जब करते थे तो कैसी होती थी। प्लीज़ आइए, तशरीफ लाइए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इनको बहुत अच्छी तरह जानती हैं इसलिए आप इन्हीं के बगल में खड़े रहें? आप प्लीज़ इधर आ जाइए ताकि मेरी शान में भी थोड़ा इजाफा हो जाए। हम बातें कर रहे थे कि जब ये स्कूल के स्टूडेंट थे या बहुत जवान थे, तब विजय साहब कैसे थे? मतलब आप उनको तब से जानती हैं? आई थिंक इज वेरी शरीफ, ही वाज वेरी शाय, वेरी इंटेंस, और बहुत अच्छा दोस्त। ही इज ऑब्वियसली स्टिल अ फ्रेंड हुम anybody you talk to and who has known him down the years still loves him and likes him and is feels close to him. That's because Vijay is a very sensitive man, and he's also somebody that literally where we have grown, he has grown, and has grown with such dignity, because to have everything and to make it, you know, 100 times bigger, I think very few people can do that. I am very proud of him. Vijay sir, you were already the son of a very successful man, but aapne wo, you didn't just settle down to rest on those laurels as they were. You pushed harder, you strove harder, you drove yourself a little more. Pitaji jab the to challenge mere ko deta tha roz, ek expectation sa tha, phir to bada achanak guzar gaye. Mera to umar 26 tha, तो यूबी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया। फिर प्रेस वाले बड़े लिखने लगे कि ये तो प्लेबॉय है, इससे कोई काम होने वाला है नहीं, और कंपनियों की बैंड बज जाएगी। मेरे को ये बस, मैं फैसला कर लिया कि मैं दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। और यूबी जब बढ़ने लगा, जब यूबी को मैं विदेश ले गया, अब तो वही लोग कहते हैं कि यूबी तो ठीक है, अब आप राजनीति में क्या करेंगे। हम बहुत रवानी में बहुत आगे निकल गए। नफीसा, आप एक मिनट तशरीफ रखें, मैं इनके एक और दोस्त को बुलाना चाहता हूँ। प्लीज आइए। आदाब बीरेन साहब, हाउ आर यू? नाइस टू हैव यू। जब ये कॉलेज में थे और जब आप इनको तब देखते थे, तब भी ऐसा लगता था कि ये गैर मामूली ड्राइव का और डिटर्मिनेशन का आदमी है, और ये जिंदगी में सिर्फ एक रईस बाप का बेटा नहीं बनेगा, कुछ करके दिखा। कॉलेज में भी ऐसा लगता था? ही केम फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली, बट आई रिमेंबर ललिता आंटी केप्ट अ वेरी टाइट कंट्रोल, सो आई डोंट थिंक ही वॉज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। ही वॉज स्पॉइल्ड विद लव बट नॉट स्पॉइल्ड विद मनी। एंड टॉकिंग ऑफ पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन, the swimming pool during the college days became a car garage. The same applied to aero modeling or to anything that he did in his life. It was a lot of diligent work, a lot of commitment, a lot of personal understanding, but I think it was always this positive outlook, this quest for achievement. aur dhun ke pakke, dhun ke bilkul pakke. ye aapke college ke zamanon ki kuch cheeze hum dekhte hain yahan. Yeah.